हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप का। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं फॉर ऑल द यूपीएससी पीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्ज़ाम कैंडिडेट्स। वही सब बातें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि लास्ट 15 डेज़ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमारी तरफ से हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इस टाइम। तो सबसे पहले, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मानकर चलिए 15 डेज हैं बस हमारे, तो लास्ट 15 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, कोई भी न्यू कंसेप्ट मत पकड़िए, किसी भी न्यू कंसेप्ट पे कोई भी चीज़ का डिस्कशन मत करिए। देखिए, कोई न्यू कंसेप्ट को बिल्कुल मत पकड़िए, न्यू कंसेप्ट पे डिस्कस मत कीजिए। जितना टाइम हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए जितना भी आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। जो आपके टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन हुआ, सोशल सिक्योरिटी हुआ और हमारा हुआ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितना आपने अभी तक पढ़ा है पूरा फिनिश कर लिया है, आधा फिनिश कर लिया, कितना कर लिया है, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो एग्ज़ाम टाइम पर आप उस रिवीज़न नहीं कर पाएँ तो एग्ज़ाम टाइम पर आपको थोड़ा सा वहाँ MCQ में दिक्कत आने लगे तो आप वहाँ पर उस चीज़ को ढंग से नहीं कर पाएँ। दूसरी चीज़, इंग्लिश की वोकेबलरी जितनी आपने करी है उतने का बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि हमें पता है 20 में से 6-7 क्वेश्चन तो सिनोनियम एंटोनियम है, ईडीएम्स फ्रेजेज हैं, तो उन तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ईडीएम फ्रेजेज और उनसे। तो बार बार उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, जिसका क्वांट स्ट्रॉन्ग है ठीक है, जिसका क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं है इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि मैथ वहाँ कोई ऐसी हाई लेवल नहीं पूछी जाती है, मैथ एक सिंपल बेसिक पूछी जाती है, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, इतना वहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि आप वहाँ पर अपने कंसेप्ट्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर्स की देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि तकरीबन 1 ईयर की करंट आपको पूरी मेमोराइज होनी चाहिए, यानी जुलाई 2020 से लेकर आपको अपना यही अभी अगस्त 2021 तक की सारी करंट पता होनी चाहिए, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो इसमें देखिए, बहुत अच्छे से इसे मेमोराइज़ कर लेना, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसमें बिल्कुल मौत नहीं खानी हमको। तकरीबन 10 क्वेश्चन हमें करंट से देखने को मिलेंगे, तो ये 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि 8 या 9 क्वेश्चन बिल्कुल आप सही बना के आओ। स्टैटिक जो अवेयरनेस आएगी वो हमारी कहीं ना कहीं करंट से ही लिंक होगी, तो करंट काफ़ी अच्छे से डिटेल में बेसिक्स क्लियर करके अपना इसको पढ़ते हुए चलें। बात करूं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी की और थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी की, तो देखिए अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की मैं बात करूं, इंडियन पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, वन लाइनर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो तो इस टाइम आप लूसेंट उठा सकते हैं। लूसेंट में इस टाइम सारे टॉपिक्स आपको वन लाइनर मिलेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन लास्ट टाइम का, तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो लूसेंट में सारे क्वेश्चन थे, तो आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बिपिन चंद्रा पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए या कोई रिफ्रेशर पढ़िए या किसी की क्लास ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसी पर रहिए, ज़्यादा मत करिए। हाँ, लेकिन जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ अच्छे से करिए, क्योंकि 15 क्वेश्चंस के अराउंड आने हैं वहाँ से भी, तो उसको रिवाइज़ अच्छे से करते रहिए कंसेप्ट को। और देखिए, बिल्कुल भी अगर आप तो पैनिक मत होना, आराम से करना, कंप्यूटर है, बेसिक्स क्लियर करते रहें सब चीज़, तो वहीं से बस पैनिक नहीं होना है। उस सिचुएशन में अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो थोड़ा सा आप तो वो कर एक प्रॉपर रेस्ट लेकर ज़रूर जाना है। एक दिन पहले आराम से आपको सोना है, नॉर्मल 8 घंटे की नींद मिनिमम आपको लेनी है, उसके बाद आराम से जाना है। क्योंकि रेस्टलेस जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ सफल नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। बाकी कंप्यूटर की बात करूँ तो जितना पढ़ रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उसको अच्छे से मेमोराइज़ करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बस एक चीज़ मन में डाल लीजिए, इस लाइन को जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सिलेक्शन लेना है बस।
इस एग्ज़ाम में अगर देखिए, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, हालांकि कट ऑफ हीट बताएगा वो कितना होगा, लेकिन अगर मैं आपको अपने पर्सनल व्यू से बताऊँ तो अगर आप 80+ क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 80+ क्वेश्चन आपके सही हैं, बेशक फिर आपके 10 या 15 नेगेटिव मार्क्स आपको दिला दें, लेकिन 80+ क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं, आप सिलेक्शन के बहुत पास हैं। तो बस कोशिश करिए कि ये 80+ क्वेश्चन मुझे करके आने हैं किसी भी हालत में, इस चीज़ पर फोकस रखिएगा बस। बाकी जैसे मैंने कहा, रेस्ट लेकर जाना है, अच्छे से रेस्ट लेना है हर चीज़ को। अब जो करा है उसे रिवाइज करते रहिए। जनरल साइंस है, 10 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। बायोलॉजी जिसमें ज़्यादा आएगी, 5 से 6 क्वेश्चन बायोलॉजी आएंगे। बायोलॉजी अच्छे से जितनी पढ़िए उतनी पढ़ें। केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब मतलब रिवीजन पर अब ज़्यादा ध्यान दें, न्यू कंसेप्ट नहीं उठाएं। छोटी छोटी अगर मैं बातों में आपको बताना चाहूँ तो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और, 22 अगस्त को, हालांकि मैंने आपको शेड्यूल बताया था मैं कब से क्लास कर रहा हूं, लेकिन 22 अगस्त को मैं 5 से 6 क्लासेज अपलोड करने वाला हूं, एक साथ करने वाला हूं, एक एक दो दो घंटे की क्लास होने वाली है। इन 5 से 6 क्लासेज को जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हर तरह के आपको एमसीक्यू और वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो, क्योंकि तकरीबन मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ये आप एग्ज़ाम के बाद भी नोटिस कर लेना जब मैं आपको कराऊं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। 22 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन एंड फेवरेट यूट्यूब चैनल वाई टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।